बिल्कुल सही है जनाब, मैं जमाल साहब की बात पे एग्री करता हूं। फुटपाथ पर सोएंगे तो मरने का रिस्क रहेगा ही, बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन मैं जमाल साहब से कुछ पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट मैं आपसे यहां पर बैठे हर एक शख्स से ये पूछना चाहता हूं कि जी ये लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, न इनके पास कोई रोजगार है, ना घर है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को गंदा करने के लिए, हमारी खूबसूरती पर बट्टा लगाने के लिए, कि क्यों जनाब क्यों। लेकिन ये भूखे नंगे बेघरों के पास एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस। ये हक ना उनसे जमाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान। लेकिन जब कभी उनके इंसाफ की बात आती है तो कोर्ट के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगवाए दिए जाते हैं, उन्हें डेट्स दिए जाते हैं, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, इंसाफ। शराब और दौलत के नशे में धूत 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए यंग और इनोसेंट शमशेर खान, यंग और इनोसेंट, जिन्होंने 5 लोगों की जान ली, और जमाल साहब कह रहे इट्स अ जोक। जोक क्या है मैं बताता हूं जनाब आपको, पिछले 8 महीनों में जमाल साहब ने उस कार को ट्रक बना दिया है, और अगर 6 महीने ये केस चला तो जमाल साहब ये भी साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं ट्रेन थी, और अगर साल भर भी ये केस चला तो वो ये भी साबित कर देंगे ये जो आदमी बैठा है वो सदा खान नहीं, वो शाहरुख खान है, और लेक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी पड़ेगी। दैट्स अ जोक जनाब। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने, लेकिन फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते जनाब। जनाब ना बचपन से बहुत सारे फिल्में देखते आए हैं, और बहुत सारे फिल्मों में ये डायलॉग भी सुन चुके कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अरे घंटा लंबे होते हैं कानून के हाथ, कानून के हाथ वाकई लंबे होते तो ये रहा मुजरिम, पकड़िए उसे, डाल दीजिए जेल में और दिखा दीजिए कि कानून के हाथ वाकई लंबे हैं।